तो आपकी किसी गलती के कारण आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गया एंड आपसे वो अलग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुद ना अपनी गलती को मानते हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा पार्टनर है ना वो राजी नहीं हो रहा है वापस से तुम्हारी इस गलती को माफ़ करने के लिए एंड नॉर्मली वापस तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के लिए। अब तुम गलती तो कर बैठे हो, उसका एहसास तुम्हें भी है, पर तुम चाहते हो कि अब तुम्हारा पार्टनर मान जाए, इसके लिए तुम तरह तरह के प्रयत्न करते होंगे और तुम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे कि जितने ज़्यादा तुम एफर्ट लगा रहे हो ना, जितने ज़्यादा तुम प्रयत्न कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा वो अपनी बात पे ज़्यादा शोर हो रहा है कि भाई अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा, ये तोड़ा, तमाम तरह की बातें अब हो रही है। तुम्हें लगता होगा कि यार मतलब गलती हुई है, ठीक है, लेकिन वो इतना प्यार करता था, अब उसने इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहा है अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं तो। ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप में चीज़ें होती है, पर यहाँ पर ना चीज़ें मनाने से कभी भी कोई सामने वाला नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो डाउट वो हर्ट हुआ है, उसको बुरा लगा है, पर उससे भी मेन चीज़ क्या है कि अभी जो ये घटना घटी है ना, तब उनका माइंड उस स्टेट ऑफ लेवल पे नहीं होता जिसके बारे में मैं हमेशा बात कहता हूँ, उस स्टेट ऑफ लेवल पे नहीं होता जब तुम्हारी बात को वो समझ सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ कि उनको ना कुछ टाइम दो तुम, ताकि जो ये घटना बनी है ना उसको सोख लगा होता है, ठीक है। तो ये शोक लगा है ना, क्योंकि शोक तो उनको लगा ही होगा, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनको पता होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो उनको कोई शोक नहीं लगता ना उनको हर्ट करता। तो आपने क्या किया कि आपने उनको थोड़ा टाइम दिया, आपको नो डाउट सॉरी बोल देना है, पर फिर ना उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए उनके पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि पीछे पढ़ के तुम इस सिचुएशन को और बुरी बनाओगे। तो तुम्हें पीछे नहीं पड़ना है, थोड़ा टाइम दीजिए। आपको फिर उस पर्सन को नोटिस करना है कि वो नॉर्मल हो गया है क्या, कितनी बड़ी चीज़ हुई थी। कोई 10 दिन में नॉर्मल हो जाता है, कोई 20 दिन में, एक महीने में, दो महीने में, ठीक है। अब वो डिपेंड पड़ता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है और जो ये घटना बनी है वो कितनी बड़ी एक मैटर है। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी होती है कि जब तुम ये ऑब्जर्व कर लेते हो, ठीक है, कि भाई सामने वाला जो पर्सन है ना अब वो नॉर्मल हो गया, जो ये इतने बड़े कांड हुए थे हमारी तरफ से, उनको शोक लगा था, हर्ट हुआ था, अब धीरे 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 उनके लिए नॉर्मल होगी, ये बात थोड़ी सी पुरानी होगी, तब उनसे बातचीत करने का कोशिश करो। अब तुमने वहाँ पर ध्यान रखा होगा कि तुम एक बार सॉरी बोलकर पीछे नहीं पड़े थे तो रास्ते खुले होंगे, पर तुमने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे तो उन्होंने सारी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा था कि चीज़ें नहीं बिगड़नी है, यहाँ पर चीज़ करनी कि वापस से कनेक्ट होना है, ठीक है। अब इतने टाइम शांत रहोगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि ब्लॉक हो गए और रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि तुम परेशान नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। अब उनके साथ वापस से कॉन्टेक्ट करना एंड नॉर्मली चीज़ों के बारे में बात करना है। अब मैं जो नॉर्मली कह रहा हूँ कहने का मतलब है कि वापस से ना हमें ये नहीं कहना है कि यार मेरे से गलती होगी, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, फिर से रिलेशन बनाते, अब ऐसा नहीं होगा। वहाँ से चीज़ें तुम्हें स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि तुम वहाँ से करोगे तो वो भी वहाँ से करेंगे, वो कहाँ पर थे, नहीं हमें अब तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं, तो वो वाला सीन हमें होने नहीं देना है। अब वो नॉर्मल चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये वो, ऐसे जैसे कि हम एक नॉर्मल इंसान के साथ जब वो हमारी लाइफ में पहले पहले आता है तब कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। ना हमें दुख दिखाना है, ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी दिखानी, नॉर्मल का मतलब एकदम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि जब तुम उनके साथ ऐसे रहोगे ना तो वो जो पुरानी चीज़ें थी, जो तुमने ट्रस्ट तोड़ा था, वो एक अच्छा माध्यम होता है वापस से उनके साथ कनेक्ट रहकर हम उनको एहसास करवा सके, ठीक है, कि हम कोई ज़बरदस्ती रिलेशन बनाना नहीं चाहते, ना हम ब्लेम कर रहे हैं कि क्या सही था क्या गलत था, साबित करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। पर जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़, कि उनके साथ रहकर वापस से जुड़कर तुम्हें उनका फिर से ट्रस्ट जीतना है। मेन चीज़ यह थी कि पहले जब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थे, क्यों थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर था, वो अलग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो ट्रस्ट तुम्हारे द्वारा टूटा है, ठीक है। अब वापस से तुम्हें उनका धीरे धीरे वो ट्रस्ट जीतना है, वो कैसे, हमारे एक्शन से, बोल कर नहीं, ठीक है। ये बात याद रखो कि तुम ये कहते हो कि नहीं अभी से कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा, तो वो नहीं मानेंगे।
पर वापस से तुम उनके साथ रहो। छोटी छोटी घटनाएं बनती जाएगी ना, जैसे आप दोनों मिलते हैं यहाँ में, पर वो आपकी हरकत नोटिस करते जाएंगे। साथ में रहना जुड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम दूर चले जाते हैं ना एकदम से, तो क्या होता है कि जैसे जैसे ज़्यादा टाइम जाएगा, इंसान अपनी लाइफ में ना नई मेमोरीज क्रिएट करता जाएगा। हमारी जो मेमोरीज होती है, हमारी जो यादें होती है, वो भूलने लगता है, ठीक है। पर हम उनके साथ कनेक्ट रहेंगे तो हमारी मेमोरीज वहाँ से कंटिन्यू होती है, एंड धीरे धीरे हमें चांस मिलते जाते हैं कि हम उनका विश्वास जीतने लगते हैं। एंड ऐसा ही आप करते जाओ, फिर ना आप उस इंसान की हरकतों को नोटिस करिए। क्या वो आपके लिए थोड़ा सा केयर दिखा रहे हैं? क्या वो आपके लिए थोड़ा सा इमोशन दिखा रहे हैं? 100% इसी प्रॉब्लम में जब हम धीरे धीरे विश्वास जीतने लगते हैं ना, तो टाइम लगता है डेफिनेटली, पर धीरे धीरे हम उनका विश्वास जीत सकते हैं। और जब वो आपको अच्छी तरह से ना आपको केयर दिखाने लगे, प्यार दिखाने लगे, तब आपको भी अपनी तरफ से अपना प्यार, अपनी केयर दिखानी चाहिए, ताकि जो चीज़ें ब्रेक हुई थी, ठीक है, एकदम नीचे चलेगी, अब धीरे धीरे आपको ना उन चीज़ों को फिर से खड़ा करना है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए lovetipsinhindi.com, और वहाँ से डायरेक्टली आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ अपनी फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो, रिलेशन के बारे में और सीखना और जानना चाहते हो, तो फ्री में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड पर्सनली हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, तो उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।